कह दियो ब्याहे बाद लौंडा साग मेहरारू लेके बगलिया जाए बाप माता के छोड़ के वही काज कुपंथी औलाद। ये मतलब बाप के सेवा सम्मान जेना कह पाओ वैसे यही लाइन में आवत थी। तो सुनिएगा आप लोग, अब भैया शांति व्यवस्था बनाएगा खेत तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं मजा आएगा। अगर कविता का भाव पसंद आए तो आप लोग ताली जरूर बजाइएगा, और नहीं पसंद आए तो और जोर से बजाइए, तो मैं समझ जाऊंगा कि अच्छा नहीं लग रहा है। हम सोचा रहा हेलो हेलो हाँ औरन के कहे महम आयन, औरन के कहे महम आयन, काया का अपने तरसायन, कॉलेज में भेज के भर पायन, तू पढ़ाई से अच्छा घरे रहो चाहे खटिया पे पड़े रहो। एक बाप अपने नालायक बेटे को समझाते हुए कह रहा है कि तू पढ़ाई से अच्छा घरे रहो चाहे खटिया पे पड़े रहो। हम सोचा रहा लिख पढ़ जइहो, आकाश में एक दिन चढ़ जइहो, पुरखन से आगे बढ़ जइहो, अब घर के खेती चरे रहो, तू पढ़े से अच्छा घरे रहो चाहे खटिया पे। बहुत गधा का ये सो थी कि वो घरहिन के धन दौलत फूका करे थी। आगे सुनिए, जब से तू स्कूल गयो तू फर्ज का अपने भूल गयो, तू कुआरे भैया झूल गयो, भट्टी में हबिस के बड़े रहो, तू पढ़े से अच्छा घरे रहो चाहे खटिया पे पड़े रहो। आगे आप लोग सुनिएगा, तुमसे अच्छा रघुआ हरजन डिग्री पाइस आधा दर्जन, और अस्पताल में होएगा सर्जन, तू छो करे तरे रहो, तू पढ़े से अच्छा घरे रहो चाहे खटिया पे पड़े रहो। आजकल ये सिर्फ बैकवर्ड जो है ये आगे जा रहे हैं, उसी बिरादरी वाले ये पाछे पछड़ते हैं। ये सोचते हैं एक बीघा खेत बेच लिए तो हमारा तो जिंदगी बीतन जाएगी। ऐसे ऐसे कई लोग पड़े हैं। देखिए, हमको हमारे भाई साहब ने बुलाया है, चलता हूँ उनका पता लगाऊंगा और उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। चचा। हाँ बच्चा, ठीक रहे हो? हाँ, सलाम वलाम नहीं किया बेटा? और बाल बच्चे? बाल बच्चे ठीक हैं, हाल चाल तो ठीक है हुए, कहा पूछे वो हम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, खैरियत है? किस लिए बुलाए हो? तो का एक ठू बुलाए, यहाँ कहा बुलाए दी कि मिलवो के बुलाए भाई? अरे दुल्हन या यार, जुलहन है, हम कबो जुलहन से मिलवे ना बहन? जुलहन है धोबाई नहीं आए, दुल्हन यार। अच्छा दुल्हन, ये बताओ हो कहाँ बात मिलाओ भैया, हमारे रहाइश नहीं होती है। बगलियाओ मिलाई, सुनो आओ, अच्छा कुछ कहने वाले बच्ची, हमारे भैया आई। तुम्हारे भैया आ गए, कहाँ हैं? एकदम नकचाया वहाँ। कोई गायब है से क्या? नहीं, बस नहीं नकचाना है, जिसे पहुँचे वाला है। अच्छा अच्छा, बलायक दिखाई भैया? अच्छा अच्छा, जवान माल तो ठहाका है वो। ए हरिराम, ये आओ, ये नहीं हुए तार भैया घोड़ा किस मूले? हाँ हाँ, भैया करीब डेढ़ दो साल बाद यह गांव में आओ तहन भैया, ये पहुंचते घोड़ा बचिया के मुंह बना होते हैं। आप सब फैसला करो यार, मर्द के बेइज्जती मर्द के सामने होते हैं, हम यहाँ बर्दाश्त न करब। ये मन से दुख कहते हैं घोड़ा के असमूह लेके आवा हो, का तू सब बताओ भैया, इतना की दूर से घोड़ा मुंह देखे आवा हो? नहीं ना, ना हमारे मुँह खाली घोड़ा के ऐसा है। अच्छा, सामनवा जैसा कदहा के हे हे। नमस्ते, धरम राम का नाम लेके तुम्हारे सामने अंधेरिया छाए जाए। नमस्ते करती हूँ उस्ताद जी। नमस्ते करती हो? हाँ, आशीर्वाद ले लीजिए। दे दीजिए। जब हम कहा कि तू खुश रहो, हाँ, तो तू कहो कि हम खुश यहाँ। ठीक है, खुश यहाँ, खुश यहाँ जाओ बच्चे, खुश रहो, यहाँ रहो चाहे इलाहाबाद में रहो, समझा के हमारे पास में रहो, लेकिन खुश रहो। खुश यहाँ? हाँ हाँ, खुश यहाँ। सड़क गिरो तुम्हारी टांग टूट जाए। हज्जे कटू हो, सड़क पे गिरी हमारी टांग टूट जाए, और आगे बताओ। हमारे लगे ये गोल फालतू है, ले ले हो तू। सड़क पे गिरो तुहार टांग टूट जाए,
और खंते में गिर तुहरे पेशाब हो जाए। अच्छा, हमारा आशीर्वाद लागे तुहरे मुँह पे कुकुर मुँहता है। अच्छा, लेकिन तू खुश रहो। अच्छा, हाँ हाँ खुश से हन। खुश से हन आओ का आओ, यही खुशी में गले मिल ले जाए। मिल ली हाँ आओ। आइजा कटौ हो, तू जवन करता हो ना हम सब जानते हैं तुहार बुद्धि का। हम करता हूँ ये बताओ, कहे रोए लगे तू? इना सोचो कि हम तुम्हें अपन बहन बिटिया जान के बहुत हाँ के ससुर को होता है, हम अपन काम बना होते हैं। अच्छा, मेरा नाम जान लीजिए। हाँ हाँ, अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम है छेदवा। छेदवा? हाँ। ये कैसे नाम पड़ गया आपका? बड़ी मुसीबत के बात यह है बच्ची, हमसे पहले जो हमारे भाई पैदा होते रहे वो सब मर जाते रहे। अच्छा, जब हम पैदा भेन तो हमारे अम्मा ऊपर रोते रहे कि अब यही लौंडो हमारा खत्म हो जाए। अच्छा, तो गांव वाले कहें भैया वो ना अब के ऊपर वाले के नाव लेके आके कान छदा दिए, के जाने ये कजहिल हो जाए तो बच जाए। अच्छा अच्छा, तो हमारे अम्मा पप्पा हमारे कान छदा दे तो गांव वाले कहें कि बच कल जुगा लौंडा पैदा भाई आके नाव का रखा जाए हो। तो हमारे अम्मा पप्पा नाव धरा दे छेदी लाल। अच्छा, छेदी लाल? हाँ, यही नाव भंडारी दादा के पप्पा को रहा है। अच्छा, छेदी लाल नाव धरा दे बच्ची पढ़ाई जाए लागे। हाँ, तो पचही कक्षा में फेल हो गए, बस मारे लंठई के मारे लौंडे छेदी लाल के बजाय हमें छेदवा छेदवा कहे लागे। अच्छा, अब मतलब की बात सुनो बच्ची। हाँ, जब हम बड़ा के भयन हमार बिया भवा, बियाहे में हमार मेहरारू आई गुअर गुअर लंबी लंबी सरहाटिया। अच्छा, वकरे अंदर यही कमी रहा है, वो हमसे बड़ी रहा है बच्ची। अच्छा, अब हम छोट रहे। हाँ हाँ, तो गांव के हमारे जौन काकी दादी रहा दुपट्टा ले हरे राम भैया दे दियो किंचा। तो हमारे काकी हरे, आजी हरे, मौसी हरे, नानी हरे कहें चलो हो फलनवा के दुल्हन देखे आवा जाए। हाँ, अब जहन के हो हमारे दुल्हन देखे आवे जान तो काव कहे काव कहे कहे दीदी। हाँ दीदी, दुल्हनिया तो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हट्टी कट्टी है, मोटी तगड़ी है, लेकिन दुल्हनिया के हिसाब से छेदवा छोट है। अच्छा, मतलब हमारा नाम छेदवा है। हाँ हाँ, हमारे मेहरारू हमसे बड़ी है, यही नजारा देख के गांव के सब मेहरारू यही कहा हे बहनी भवानी की जाए दुल्हनिया बड़ी अच्छी है लेकिन छेदवा छोट है। हमारे मेहरारू न जाने पाओ हमारे मन से धू नाव छेदवा है, मारे गुस्सम भाग भकाए। अच्छा, कौनो मेहरारू गए हमारे अम्मा से बता दीस कि हे ललित की मम्मी सुनो तो सब मामला ठीक है, पतोहिया ठीक है, लेकिन छेदवा छोट है। अच्छा, हमारे अम्मा लंगोटा बांधिन कहें ये बात यहाँ तब हम जाते हैं छेदवा के पापा से बताओ। हाँ, देखियो वे काव करे थे काव देख के आओ रहे ब्याह में। तो हमारे अम्मा आई हमारे बप्पा से बताए कहाँ है था बप्पा? ये बैठे हैं हमारे पिताजी। अच्छा, आदि श्री ओम प्रकाश जी नकारा मास्टर, जहाँ तक मेरा मानना है ऐसे कलाकार आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेंगे। और एक मसला याद आ गया है, कहने वालों ने कहा कि वही काम मजबूत जेमा बापू पूत, यहू के अर्थ जान लियो कि वो काम मजबूत कैसा, घर वाले मामले में न जाए भैया के हो, नहीं सोचो कि साग महतक ये लागा है। हम बहुत जने यू सोचा तो ये वही काम मजबूत जेमा बापू पूत, यानी कि यहू नगारा बजाओ थे हम बजाई थे। आप लोगों से जुदा होने का कारण यही है कि इस कंपनी में नकारा बजा रहे हैं, मैं विराम नकारा बजाता हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये अगिल्ला बजाते हैं, पिछला बजाते हैं। अच्छा, पिछला बजाते हो? हाँ, हम दोनों में थोड़ा सा अंतर है, मतलब ये दहने हाथे बजाओ थे, हम बाएं हाथे बजाई थे। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? अम्मा कहीं पप्पा से बताएं कि फलाने पापा पतोहिया ठीक है लेकिन छेदवा छोटा है। तो वही लागे फिर ये गरमाने भैया बप्पा हमारे घर माने वही लागे। अच्छा अच्छा, कहें आज हम फैसला कह के रहा चार पंच के सामने तरी बड़ी बेइज्जती, तो हमका बुलाइन हमारे मेहरारू बुलाइन, दू जने के लाइन में खड़ा करें देखें तो हम छोट रहे मेहरारू बड़ी रहा है। तो हमारे बप्पो यह कहें बच्ची तुहरे अंदर कोनो कमी नहीं लेकिन छेदवा छोट है। तो हमारे मेहरारू कहे बप्पा दुनिया कहा है तो कहा कि छेदवा छोट है लेकिन तू ना कहा छेदवा छोट है, काहे कि जब तू ब्याह तय करेगा रहे हो तो देख सुन के आए हुए हम मान नहीं सके कैसे आए छेदवा छोटा है, यही छेदवा तो आधा सगैया गांव नहीं पाटे हैं। एक बात रह गई है,
पूरा कर दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्योंकि बार बार अवसर नहीं मिलेगा और हमारे प्रधान जी आदरणीय यहाँ की महान जनता ने मुझे इनवाइट किया और कहा कि बच्चा काम में कोई फर्क नहीं लगाना और ठीक है